शो में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो हमें के बारे में बात करना चाहिए थोड़ा सा यार कुछ नया हुआ नहीं उसके बाद मतलब मैं मेरे प्लान है अभी कुछ करने के क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ दो तीन साल तो मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का उस पर सीरियसली एक्सपेडिशन हाँ कुछ दोबारा जाके एक्सप्लोर करना या कुछ ढूंढना क्योंकि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है समाह उसको सबने छोड़ दिया है अब सेम जगह जाओगे हाँ प्लान तो है कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि अभी फॉर माई पेरेंट्स आर एजिंग ना तो अभी घर इंडिया में कोई है नहीं तो आई एम हेयर फॉर दो तीन साल में हूँ या शायद ज़्यादा तो कुछ अभी मेरे को करना है साइकिलिंग के अलावा तो जितनी भी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं उनका सब कुछ मिला के कुछ सीरियस काम करने की सोच रहा हूँ अभी मैं इस पर एक शो बनना चाहिए हाँ बिल्कुल यार ये तो काफ़ी मतलब हुआ था पर फाइनेंसिंग नहीं हो पाई इसकी एक काफ़ी ग्रैंड लेवल पे हमने प्लान किया था कि जहाँ पे भी ये की साइटिंग्स हुई हैं अभी तक भूटान से लेके फिर नेपाल फिर इंडियन हमालय जहाँ तक भी और जितने लोगों ने अभी तक रिसर्च करी है क्या क्या देखा क्या क्या नहीं देखा क्या क्या कहानियाँ हैं क्या क्या फोकलोर हैं और कहाँ पे साइट हो सकते हैं और फिर फ़ाइनली ये सब कुछ करने के बाद उस जगह जाके पूरे जितने सर्वेलेंस इक्ुपमेंट हैं वो सारी चीज़ें लगा के दो तीन महीने वहाँ पर रहने की और ट्राई टू फाइंड कि क्या हम नया ढूँढ सकते हैं कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशनस है वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पे उस लेवल पे उतनी हार्श कंडीशंस नहीं है क्योंकि वो साढ़े चार हज़ार मीटर के आसपास है हाइट मतलब कितने पंद्रह हज़ार फीट के आसपास तो कंडीशंस उतनी हार्श नहीं है और जब आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि आपको कुछ करना है फिर तो सारा एडम बंदोबस्त आप करते ही हो ना आप अपना टेंट लेके जाओगे आप अपने खाने पीने का राशन लेके जाओगे पोर्टर्स होंगे सप्लाई चलेगी मतलब जिसने करना है वो हो सकता है टोटल कॉस्ट कितनी है रफली ज़्यादा नहीं होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी कितनी रफली दस पंद्रह लाख टोटल तीन महीने के लिए हाँ मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा बट ऐसा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मैं वैसे ही बहुत शू स्ट्रिंग बजट पे काम करने का मेरे को पता है क्या करना है आपको क्या मतलब बेसिकली आपको अपने रहने का अरेंजमेंट करना है आपको परमानेंट खाने का अरेंजमेंट करना है आपको सर्वेलेंस इक्विपमेंट उसकी बैटरी चार्जिंग का हिसाब किताब करना है जो और जहाँ पर हमको ए टी साइट हुए थे उससे करीब क्या कहते हैं चार घंटे पहले एक रहने की जगह है मतलब लॉज टाइप की तो नहीं है मतलब ऐसे ही जहाँ चाय पानी उस एक्सपेडिशन पर जो रास्ते पे जाते हैं तो वो ऑलरेडी स्टॉक करके रखता है वहाँ पे वहाँ पे हेलीपैड है तो एडम वाइज इट्स नॉट दैट अ चैलेंज बट चक्कर ये कि करना कौन चाहता है वो वाली बात है पर लोगों ने ट्राई किया है किसी ने नहीं, नहीं कभी नहीं कुछ ट्राई नहीं किया किसी ने टू एक्चुअली गो एंड सिस्टमेटिकली सर्च फॉर अट इसी ने नहीं किया ट्राई एक मैं उस बंदे का नाम बोल रहा हूँ उसने करीब बीस ये मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था उसने करीब तीस साल तक रिसर्च करने की कोशिश करी पर वो अकेला लगा हुआ था और वो बहुत लोअर हाइट्स में ढूंढ रहा था और उसको कभी कुछ मिला नहीं रेनॉल्ड मैसनर जिसने फोर्टी एट थाउजेंड पहली बार चले चढ़े थे मतलब इज़ द बिगेस्ट लेजेंड इन मॉडरिंग सर्कल ही ऑल्सो डिड लॉट ऑफ रिसर्च मोनेस्टीज वोनेस्टी में जाके उसको कई पुराने स्कल्स मिले थे कुछ मिले थे पर ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग कॉन्क्रीट अभी तक तो किसी ने कुछ किया नहीं है इसके बारे में आपकी मैंटालिटी क्या होगी वहाँ आप आई एम श्योर अब फिर से उसी स्पॉट में जाओगे जहां आपको फुटप्रिंट्स दिखे थे जो जिसकी बातें हुई थी लास्ट टाइम फिर क्या यार केवल वही उसी स्पॉट पे नहीं पर उस लेवल उस क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि ये थी ऐसी जगह अगर है ये थी तो ऐसी जगह पे नहीं होगा जहाँ पे बहुत ह्यूमन हैबिटेशन है वो हमेशा जहाँ वेजिटेशन ख़त्म हो रही है और जहाँ पे विल्डरनेस है केवल उस एल्टीट्यूड पे ही रहेगा क्योंकि नीचे तो अभी तक देख लिया होता उसको अगर वो ऐसे जंगलों में जहाँ लोगों ने जनरली उसको ढूंढा है क्योंकि वो तो यार वहाँ पे तो झाड़ियाँ भी उस फुटप्रिंट के नीचे दबी हुई थी मतलब कोई तो चला है उसके ऊपर उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं हमारे पास तो वीडियो फुटेज है पूरा का पूरा उसका उन फुटप्रिंट्स का तो मतलब उस लेवल पे और भूटान में भी कुछ लोगों ने साइट किया है तो वो जो एल्टीट्यूड है साढ़े चार हजार से पौने पाँच हज़ार मीटर तक का जहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म हो रही है और पहाड़ियाँ सारी शुरू हो रही हैं तो उस लेवल पे मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द दर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ओ एफ स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अप स्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी ओ बाइस एफ स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेस आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट बी ओ बाइफ़ स्किल हाउस फॉलो आर यूट्यूब चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ये टी को लेकर मेरे थोड़े से सवाल <laughs> <laughs> बहुत डायरेक्टली पूछूंगा <laughs> कि येटी अकेला तो नहीं रह सकता फैमिली के साथ रहता होगा या रहती होगी यार कुछ पता नहीं है मतलब अटकल नहीं लगा सकते हम उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है देखा ही नहीं आज तक मतलब पहाड़ी लोग बोलते हैं उन्होंने देखा है उन्होंने तो हंड्रेड परसेंट देखा है पर उन्होंने कभी फैमिली नहीं साइड करी उन्होंने है उन्होंने इंडिविजुअल यती साइड किया है बट लाइफ स्पैन क्या होता होगा कुछ आइडिया नहीं बेसिकली एक स्पीशीज ही है वो टेक्निकली बायोलॉजिकली स्पीकिंग इफ़ इट एग्जिस्ट इट्स स्पीशीज़ मतलब रिप्रोडक्शन भी होगी हाँ मतलब एक लव लाइफ भी होगी हाँ कुछ ना कुछ मतलब सोशल स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ हो गई उन लोगों का हैबिटेशन भी कुछ ऐसी होगी उनकी पर क्योंकि वो या तो वो इतने दुर्गम इलाकों में रहते हैं कि वहाँ पे क्योंकि जब आप इस एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो आप सीधे जैसे मकालू जैसे मकालू चढ़ने जा रहे थे मकालू के बेस कैंप पे जा रहे थे तो लोग तो केवल एक पतला सा रास्ता लेते हैं आसपास जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर तो कुछ जाता नहीं ना क्योंकि किसी को कुछ लेना देना नहीं है और उसका केमोफोलॉजी मेरे को लगता है बिल्कुल बर्फीले इलाकों से मिलता जुलता हुआ कि आप उसको इजीली स्पॉट नहीं कर सकते मतलब ऐसी कुछ अटकलें हैं बाकी तो वहाँ जाके पता चलेगा यार क्या कहानी है चौबीस घंटे जब आप जग, कुछ जगह किसी जगहों का सर्वेलेंस करोगे कुछ होगा तो पता चलेगा क्या कहानी है मेमथ के भी आपको वो मिल गए हैं मतलब नाउ दे आर ट्राइंग टू रिवाइव मेमथ है ना उसके सब डी एन और बोन्स और वो सारा कुछ जिसका अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है बट अगेन साइबेरिया फ्लैट था मेहमथ के बारे में पता था लोगों को पता था यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रेव हो सकता है मेमथ का यहाँ पे मिलेगा पर इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है और ये इलाका बहुत दुर्गम है पर किसी ने कोई रिसर्च अच्छी तरह करी नहीं है इसके ऊपर क्यों जस्ट पीपल डोंट केयर इन हाँ क्योंकि हमारे एक फर्स्ट ऑल साइटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं ना हम लोगों का जब मैंने पिछली बार भी कहा था अगर ये किसी यूरोपिनियन या अमेरिकन एक्सपिडन ने देखा तो अभी तो पता नहीं कितना हेलीकॉप्टर और कितने एक्सपीडिशन लॉन्च हो चुके होते अभी तक क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी वो पर हम लोगों का एटीट्यूड ही नहीं है कि यार उसको हम हवाबाजी में इधर उधर कर देते हैं सब बकवास है इंडियन आर्मी कुछ काम नहीं है हनुमान जी ढूंढ रही है पता नहीं क्या क्या इस चीज़ के चक्करों में बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है हम लोगों का ऊपर से हम एडवेंचरस नहीं है फ्रेंकली इंडियन मिलिट्री के जनरली एक्सपडिशन बेस्ड ऑपरेशन होते हैं एज इन अदर देन रेस्क्यू ऑप्स या अदर देन एंटी काउंटर टेर्रिज्म ऑप्स कुछ ऐसे एक्सप्लोरेटरी मिशन होते हैं हाँ हाँ एक्सप्लोरेटरी तो कम होते हैं पर इंडियन आर्मी की प्रॉपर माउंटेनरिंग टीम है और इंडियन आर्मी का मिशन है सारे एट थाउजेंड मीटर क्लाइम करने का तो इंडियन आर्मी ने बड़े ज़बरदस्त माउंटेनियर्स हैं इंडियन आर्मी में जिन्होंने बहुत बार फोर्टीन थाउजेंड मीटर पीक क्लाइम करी है बहुत सारी क्यों एक तो यार इससे हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है ऐसे एरियाज़ में ऑपरेट करने की दूसरा ये इट्स अ मेजर अचीवमेंट ना यार एट थाउजेंड मीटर क्लाइम करना चौदह ही हैं दुनिया में तो वो एक स्परिट भी इंस्टिल होती है आर्मी में और आर्मी तो स्पोर्ट्स को आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा प्रोमोटर स्पोर्ट्स का इंडियन आर्मी है आधे से ज़्यादा मेडल इंडियन आर्मी मतलब काफ़ी सारे मेडल इंडियन आर्मी का जो मिशन ओलंपिक्स है उसके थ्रू मिल रहे हैं तो उसी के चलते मतलब इंडियन आर्मी ने तो काफ़ी राउंड द वर्ल्ड सेलिंग भी करी है इंडियन आर्मी की एक टीम ने और ये एक रहा है मिशन शुरू से अब अब क्योंकि पाँच पीक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है अबाउ एट थाउजेंडर तो वो तो पॉसिबल है नहीं शायद तो वो और मतलब वो एक एडवेंचर की स्पिरिट होनी जरूरी है ना कि आप केवल अपने आप को डाल रहे हो ऐसी मुसीबतों में अपनी स्किल्स होन कर रहे हो एक बहुत ऑफ अचीवमेंट होता है बहुत बड़ा तो इसीलिए है इंडियन आर्मी का काफ़ी काफ़ी जोर रहता है इंडियन आर्मी का ऐसी चीज़ों के ऊपर बैक टू यिटी रहेगी क्या पर एक्सप्लोरेशन के परस्पेक्टिव से मतलब अब बस फ्री एक्सप्लोरेशन करोगे उस एरिया में यार ऐसी जगहों पे तो यार क्या कहते हैं पर आजकल सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छी आ गई है ना आप चौबीस घंटे कैमरे ला के रखो उस जगह पे जो रा मतलब जो डे नाइट कैमरेज होते हैं वो सारे चलते रहे अभी तो ड्रोन्स भी हैं तो यू कैन मतलब जिस इलाकों में आप नहीं जा सकते वहाँ पर आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो बट इट्स बेसिकली मतलब एक पेशेंस गेम है आप कितने पेशेंट हो कितने टाइम बैठना चाहते हो मतलब ये एम्बुश टाइप कहानी है ठीक है कि आप बैठे हो देख रहे हो और मोशन ट्रिगरिंग कैमराज होते हैं सारे आजकल कल तो मतलब वो हमारे पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ना पहले के टाइम में नहीं था पहले के टाइम में तो जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो वही आप देख पा रहे हो अभी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप जितने भी पॉसिबल साइट्स आपको लगती हैं हर जगह आप कैमरे फिट करके रखो आई यू ओपन टू व्लॉगिंग दिस होल थिंग हाँ यार अब मैं करूँगा क्योंकि अब मैं हूँ दो तीन साल तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मेरे को कुछ करना है बहुत सारे चल रहे हैं आइडियाज़ एक और इंटरेस्टिंग सीरीज बनानी थी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ जब मैं से पहले का था ये जो अभी ठंडे बस्ते में चला गया तो उसको दोबारा रिवाइव बहुत सारे प्लान्स हैं तो देखते हैं आपको प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है बेसिकली आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और एक कैमरा असिस्टेंट की ज़रूरत है शायद हाँ हाँ उसकेबल कैमरा असिस्टेंट इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं बहुत है बहुत डूएबल है ये हाँ डूएबल है यार और करना चाहिए हम लोगों को ऐसी चीज़ें क्योंकि हमारे देश में हमको एक्सप्लोरेशन की और ओरिजिनल थाट की और किसी एक लीड को उसके कंक्लूजन तक ले जाने की वो मादा हम लोगों ने पहले था अभी नहीं है खासकर व्हेन इट कम्स टू जब आउटडोर सी चीज़ें हैं या जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्ड है जहाँ फिजिकल एक्जर्शन है जहाँ हार्डशिप्स हैं वो उस टाइप का चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ